क्या कहेगी यहाँ पर जो है अपनी पहचान हिंदुस्तान के कोने कोने से जो है क्वींस आई है अपनी पहचान बनाने। बढ़िया खुशी अब होगी। सारी क्वींस एक से बढ़कर एक। सबसे पहले तो नमस्कार, और मैं माफी भी मांगना चाहूंगी कि आने में थोड़ी सी देर हो गई। मैं नॉर्मली क्वाइट पंक्चुअल होती हूँ, लेकिन क्या है पिक्चर बनाना बहुत आसान है, लेकिन जब प्रमोशन शुरू हो जाता है तो बैंड बज जाती है। तो इसके बीच में प्रमोशन और दो बच्चों के बीच में मेरी बैंड बजी हुई थी। So really apologize for that, but while I'm here, I'd really like to thank Shweta and Ranveer for inviting me. It's a really amazing event. Miss India Queens, बहुत ही interesting initiative है to keep the fire going for all the women who are also married. क्या है एक sense of complacency आ जाती है ना शादी के बाद, and मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही interesting incentive है to still you know, keep it going. And buri baat nahi hai to be known by your husband's name, but apni pehchan, khud ki pehchan kabhi nahi hona chahiye zindagi mein kisi ko bhi. So I really feel this is a great initiative, and ye jo naam diya hai aapne, pehchan meri, us pehchan ko apni hi banaye rakho. And I really wish you all the very best. All of you are beautiful. So whether you win the coveted title or not, आपकी जो पहचान है वो आपकी खुद की है. And you exist, you are, you will be, and you have to continue to love yourself and value yourself. So wow. That's most important. भाई जोरदार तालियां हो जाए. पहचान मेरी शिफा, जब आप अपनी पहचान बना रही थी तो वो कोई एक्सपीरियंस जो आप शेयर करना चाहें, क्योंकि बहुत स्ट्रगल के साथ आप भी जो है इस मुकाम तक आई हैं। स्ट्रगल अभी भी कर रही हूँ। स्ट्रगल इज कांस्टेंट स्ट्रगल एज वेल। नाउ द स्ट्रगल इज टाइम मैनेज। यस, दैट इज अ स्ट्रगल। तो आपका क्या सवाल था कि मैं जब आप अपनी पहचान बनाने निकली थी तो कितनी मुश्किलात आपको फेस करनी पड़ी, कुछ एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहें? I was fairly lucky, you know, to be honest, क्योंकि जब आपकी पहली पिक्चर चल जाती है और प्लैटिनम जुबली हो जाती है तो फिर स्ट्रगल इतना होता नहीं है. बट हाँ, जब मैंने इंडस्ट्री ज्वाइन की थी तो मैं 17 साल की थी, और मुझे कुछ भी नहीं आता था. आज भी ऑनेस्टली इतना ज़्यादा नहीं आता. अभी भी मैं सीख रही हूँ. बट द स्ट्रगल ऑफ not belonging to the industry और यहाँ पे एक पहचान बनाना बहुत मुश्किल था, लेकिन impossible नहीं. कर लिया मैंने. अगले साल मैं 30 साल कंप्लीट करूँगी, तो इसका श्रेय मुझे ऑडियंसिस को देना चाहिए. जो भी माध्यम हो, छोटा पर्दा हो, सोशल मीडिया हो, YouTube हो, मेरे ऐप के जरिए हो, उन्होंने हमेशा बहुत सारा प्यार दिया मुझे. और मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि अब ये, क्योंकि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पे भी मैं प्रमोट कर ही दूँ. निकम आप प्लीज जाके देखिए 14 साल के बाद वापसी.